एवरीवन, आज हम कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई वांटेड टू रिव्यू ऑल ऑफ दीज पिज़्ज़ा. तो मैंने तीन जगह से पिज़्ज़ा मंगाई है. ये है पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, ये है शिकागो पिज़्ज़ा और ये है डोमिनोज का पिज़्ज़ा. तो अभी हम देखते हैं तीनों को, कंपेयर करते हैं तीनों की टॉपिंग्स, डिलीवरी टाइम, प्राइजेस, सब कुछ कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट तीनों पिज़्ज़ाज ना सेम ऑर्डर करे हैं ताकि कंपेयर करने में हमें ईजी रहे. ये है पनीर मखनी पिज़्ज़ा, ये भी पनीर मखनी पिज़्ज़ा है, बट ये वाला जो है ना ये पास्ता पिज़्ज़ा है, क्योंकि पनीर मखनी पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं था जिस टाइम पर मैंने ऑर्डर किया. ये जो पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा है, ये डिलीवर होने में अराउंड 25 to 30 minutes लगे थे. शिकागो का पिज़्ज़ा मुझे मिला था 15 minutes के अंदर, और डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है इसके अंदर मुझे अराउंड 30 minutes लगे थे. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस, तो ये वाला पिज़्ज़ा कुछ अराउंड 450 के आसपास मुझे पड़ा था. शिकागो का पिज़्ज़ा मुझे पड़ा था 360 के आसपास, और ये वाला पिज़्ज़ा मुझे पड़ा था 500 रुपीज़ के आसपास. अच्छा, अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा है. पिज़्ज़ा अच्छा है, इसके टॉपिंग्स में पनीर है, अनियन है और कैप्सिकम है. ठीक है, और चीज़ है थोड़ा सेंटर, मुझे थोड़ा चीज़ इसके अंदर कम लग रहा है, बट टेस्ट में ठीक है. अच्छा, ये है शिकागो का पिज़्ज़ा पनीर मखनी अगेन. इसके अंदर पेपरोनी है, ऑलिव्स है और पनीर है और ढेर सारा चीज़ है. सो फुली चीज लोडेड लग रहा है ये मुझे. टेस्ट करके देखते हैं हम. आप देख सकते हो इसमें कितना सारा चीज है. इस पिज्जा में ना प्रॉपर टेस्ट आ रहा है कि पनीर मखनी किसे कहते हैं. तो मतलब कंप्लीट फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड इटालियन. और जो पनीर है ना, देखो वो भी एकदम फ्रेश पनीर है, एकदम फ्रेश पनीर है. और ये देखो, आप देख भी सकते हो इसमें प्रॉपर मक्खनी का टेस्ट आपको मिलेगा. और काफ़ी अफोर्डेबल भी था ये पिज़्ज़ा, मतलब इसके टेस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे. 360 में आपको प्रॉपर पनीर मक्खनी मिला, काफ़ी अच्छा लगा. ये जो पिज़्ज़ा है ना, मैंने शिकागो की साइट से ही ऑर्डर किया था, तो मुझे वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता था. डिस्काउंट के बाद में मुझे अराउंड 250 का मिला था. तो आप भी एक बार तो साइट से ही ट्राई करना ताकि आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिले. इसके साइड पे ना आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक पनीर इज़ माय फेवरेट, तो मैंने पनीर मखनी मंगाया. पनीर में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि पनीर लबाबदार, पनीर मखनी. तो आप एक बार साइट पर जाकर के चेक ज़रूर करना इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं. दिस इज पिज़्ज़ा पास्ता. वैसे टेस्ट में ये अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा सॉस शायद ज़्यादा है. तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, तो सबसे पहले हम शिकागो पिज़्ज़ा लेते हैं. इसके अंदर ये जो ऑलिव्स है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्रंची टेस्ट आया. और जो ये रेड चिली है, इससे तो बहुत मतलब एकदम मज़ा आ गया. एकदम पनीर मखनी वाला जो स्वाद है ना, वो एकदम आ चुका है. और एकदम मतलब आई वुड से कि पूरा फ्यूजन है इंडियन और इटालियन का. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा ये, क्योंकि इसका डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो गया और प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे. अब हम बात करते हैं डोमिनोज. तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी मुझे अच्छा लगा, बस मुझे थोड़ा सॉस कम पसंद है. अदरवाइज़ ये पिज़्ज़ा भी काफ़ी टेस्टी था. इसके अंदर पूरा इन्होंने पास्ता वास्ता ऐड किया हुआ है. फिर आता है हमारा पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा. तो ये भी पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था, प्राइस के हिसाब से ठीक है और डिलीवर भी जल्दी हो ही गया था. तो आप ऑर्डर करो और आप मुझे बताओ कि आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कौन सा वाला लगा. सी यू.